तारक मेहता का उल्टा चश्मा। We'll be right back.
अरे आप लोगों को बोला था ना कि कोई बाकी फोटो नहीं खींचेगा, फिर भी आप फोटो ले रहे हो। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं किया तो जीव दयाबा अवार्ड नहीं लेगी। फोटो डिलीट करो, डिलीट करो, फोटो करो उसको। ये कौन खींच रहा भाई? ओ यारा, अब बहरा हो गया क्या? और सुना नहीं था कि फोटो खींचना मना? चल अभी के अभी डिलीट कर। नहीं डिलीट कर, सॉरी करो, डिलीट कर, कर फटाफट कर, डिलीट चल, हो गया डिलीट। बा उन्होंने फोटो डिलीट कर दिया, आप ले लीजिए। पकड़ता हूँ, अब ताली बजाइए। नहीं ठीक है बेटा, तुमने बजा लिया। ये आपका 11 लाख का चेक। नमस्ते बाबा। अब मैं आदरणीय जीवदया बहन को विनती करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन के दो शब्द कहें। टप्पू के पापा, माँ की आवाज इतनी मीठी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चल रहा है? नहीं, नहीं। मुझे आप लोगों से कहने में बहुत दुख होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पड़ी क्या पैसा? क्या क्या नया नाटक है? नाटक? अरे मैं जैसे मन्नत रखती हूँ वैसे माँ व्रत रखती है। आज जीवदया बा का मौन व्रत है, प्लीज उन्हें बोलने के लिए कोई आग्रह ना करे। तो फिर आज जो शुभ अवसर पे उनका मंतव्य क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? बा को जो कहना है वो लिख कर लाई है, उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और नया नाटक क्या? क्या सुन? मेरे देशवासियों, मैं जीव दया, मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है। अगर मुझे प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं सिनेमा में काम करती, समाज सेवा क्यों करती? सच्चा समाज सेवक वो होता है जो कोई मोह माया ना रखकर सबकी सेवा करे। समाज सेवा करने वालों को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। मैं तो यहाँ आने वाली भी नहीं थी, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। लोग कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा मेवा के उम्मीद के बगैर की जाए उसमें परम संतोष और शांति मिलती है। इसीलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। माँ की बात सुन के स्वर्ग धरती पर उतर आए हो ऐसा लगा नहीं? हम सबको धरती पर स्वर्गवासी बना दिया सासू माँ ने। क्या मम्मी, नानी माँ से कहो ना एक बार मुझे टप्पू ढका कर बुलाए, मुझे नानी माँ के मुँह से मेरा नाम सुनना है। मम्मी प्लीज। सॉरी, आज बाप कुछ नहीं बोल सकेगी। चलो, सासू माँ के मौन व्रत से एक फायदा तो हुआ, आज सबके सामने वो मेरा नया कोई नाम तो नहीं रखेगी। मौन व्रत रखा है तो तुम भले बोल नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ गरबा तो कर सकती हो ना? हाँ हाँ, गरबा की ना नहीं है। अरे हाय, अरे भाभी, बेटे साहब, छोटी भाई जल्दी ऊपर आ
मैनू नहीं पता चोटी। अरे अभी भी तो हम सबके साथ नाच रही थी वो अचानक एकदम। अरे जीजा जी जीवदिया का के तो हम दाव जाने के लिए निकल गए। अरे बक्का मम्मा ऐसे कैसे हो सकता है, नानी हमें मिले बगैर हमारे घर आए बगैर चले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और घर पे नहीं आए और गोकुलधाम में सारे लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, वो कल से हम लोग सारे मिलके भाग भाग कर रहे हैं कि दया बाबू जी की माता जी को मिलेंगे और अभी वो हमसे नहीं मिलेंगे। मतलब हमारी माँ से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। हमसे मिले बगैर सासू माँ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। पकड़ो 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 मतलब वापस रोको रोको चलो चलो रखते हैं उनका चलो 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 अरे रोको तो गाड़ी में बैठ के चली गई। हाँ तो चली जाएंगी ना। चली ही जाएगी का क्या मतलब है जी? वो दरअसल इसी शर्त पे आई थी कि वो अवार्ड लेने के बाद तुरंत चली जाएंगी तो चली गई। कहाँ चली जाएगी? एयरपोर्ट और वहाँ से अहमदाबाद। माँ मुझे मिले बगैर चली गई, ऐसे कैसे चली गई? सासू माँ आ रही है, दया की माँ आ रही है, टप्पू की नानी आ रही है, पप्पू जी की बेवान आ रही है। दो दिन से सुन सुन के कान पक गए थे मेरे। सुबह 5 बजे से उठ के यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। पहले कहा ट्रेन से आ रही है, फिर कहा नहीं 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 प्लेन से आ रही है। यहाँ हॉल पहुँचने में मेरी वजह से थोड़ा लेट क्या हो गया तो ताने मार मार के मेरा दिमाग हिला दिया। आपकी वजह से मेरी माँ का सम्मान का प्रोग्राम देखने का रह जाएगा। अरे सासू माँ ने मेरा जो अपमान किया उसका क्या? अरे पर माँ तो आपको मिली नहीं है तो आपका अपमान कैसे करेगी? वही तो, मुझे मिली नहीं वही मेरा अपमान है। मुझे नहीं मिले, अपने जमाई को नहीं मिले। क्या समझती क्या है सासू माँ मुझे? जमाई राज नहीं जमूरा, जमूरा समझती है। अरे जब सोसाइटी वालों को पता चलेगा कि सासू माँ नहीं आ रही है तो उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। सुबह से बेचारे सोसाइटी कंपाउंड में सासू माँ के स्वागत के लिए खड़े पके खड़े हैं, अभी भी खड़े होंगे। बाबा जेठा अंकल को फोन करके पूछो ना, अब तो अवार्ड फंक्शन भी खत्म हो गया होगा। जल्दी 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 पहले पूछना फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं, बाद में पूछना कहाँ तक पहुँचे। तो बात करो। नहीं नहीं कर रहा हूँ ना भाई, करो इंस्ट्रक्शन। ये देख भिड़े का फोन है, क्या जवाब दूं मैं इसको? हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, अवार्ड फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं और वहाँ से निकले कि नहीं? अरे यहाँ पे सब लोग रेडी है? रेडी एकदम। और मैंने जो बोला था याद है ना, जैसे ही नजदीक पहुंचो फोन अवश्य करना। भिड़े अंकल फुल स्पीकर पे रखो ना। जेठा अंकल नानी माँ को जल्दी लेके आइए ना। अरे वो ला रहे हेलो जेठालाल। हाँ भिड़े
मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ तुझे वापस। अच्छा अच्छा ओके ओके। बोल क्या मुंह दिखाऊं मैं सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको क्या मुंह दिखाऊं? जिनके नाम के गर्भ हम सब लोग गा रहे थे वो जीवदया माँ गर्भा समाप्त होती गायब हो गई। भाई हम सारे लोग बेसब्री से उनसे मिलने का उन्हें देखने का इंतजार कर रहे थे लेकिन वो तो हवा की झोंके की तरह आई और आंधी की तरह चली गई। न तो उनसे कुछ बातचीत हो सकी न ही मुंह दिखाई हो सकी। और जेठालाल जो अपनी सासू माँ का दिल जीतने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं वो उन्हें 1,01,000 का हार नहीं पहना पाए। अब क्या होगा? क्या हम उन्हें देख पाएंगे? भाई सवाल कई सारे लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा हंसते हंसते जब आप देखेंगे मेरे साथ कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। और हाँ दोस्तों एक विशेष बात और, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नॉमिनेट करने के बाद हमने उस नॉमिनेशन को स्वीकार किया और अब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और निर्माता आसित कुमार मोदी जी की ओर से मैं आप सभी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट करता हूँ। आपके पास एक मौका है स्वच्छ भारत का सिपाही बनने का। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको स्वच्छ भारत अभियान के हमारे TMKOC माई क्लीन इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है। अपने आसपास की जगह, अपनी सोसाइटी, अपना घर, अपना मोहल्ला साफ रखिए और उसकी तस्वीरें हमारी वेबसाइट www.tmkocmycleanindia पे अपलोड कीजिए। हो सकता है कि आपको एक सुनहरा मौका मिले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों से मिलने का। और तो और आप गोकुलधाम सोसाइटी में भी आ सकते हैं और इस वेबसाइट का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के द्वारा किया है और हम सबको कृतार्थ किया है इसका जिक्र करके। तो अब आप जुड़ जाइए स्वच्छ भारत अभियान से और माई क्लीन इंडिया कंटेस्ट में हिस्सा लीजिए TMKOC माई क्लीन इंडिया। और अभी स्थिति यहां पर यह है कि दया भाभी की माँ गायब है, जेठालाल गुस्से में है। अब देखना यह है कि क्या होता है। जो भी होगा होगा, आपको के साथ देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ स्वच्छ भारत सुखी भारत। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.